हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज भी मैं ना बहुत जल्दी उठ गई थी। आज तो और भी ज़्यादा जल्दी उठी थी, 5:30 बजे। पता नहीं क्यों इस विंटर सीजन में मेरी आँख जल्दी खुल जा रही है, क्योंकि ढेर सारा काम भी है गाइस, बहुत सारा है काम। तो सोचती हूँ जल्दी से जल्दी उसको निपटा के अपना सारा काम जो है टाइम पे ख़त्म करूँ। तो ये मेरी सोच तो गलत है नहीं? तो शायद इसी चिंता से मेरी आँख भी जल्दी खुल जाती है। तो जब मैं आज सुबह उठी ना, तो थोड़ा तो मैं टहली, थोड़ा बाहर छत पे अपनी गैलरी में थोड़ा इधर उधर टहल रही थी। सुबह सुबह का जो वक्त होता है ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एक सुकूनदायक वो पल होता है, वो समय होता है। तो थोड़ा वॉकिंग करने के बाद मैं आई तो घर में ये कपड़े पड़े हुए थे, कुछ हाथों से फोल्ड करने थे, कुछ धोने थे। तो मैंने पहले वो काम स्टार्ट किया। पहले सोचा कि सब सो रहे हैं तो इससे अच्छा है कि सबके जागने से पहले मैं ये धो लेती हूँ, वरना बाथरूम जो है वो बिज़ी हो जाता है फिर सुबह सुबह के टाइम पे। तो मैंने ये कपड़े मशीन में लगा दिए थे। और आज इन कपड़ों के साथ ना मैं पर्दे भी धोने वाली हूँ। आपने देखा ही होगा जब मैं सारे कपड़े निकाल रही थी तो उसमें दो पर्दे भी थे। एक्चुअली दोस्तों, वो पर्दे ना काफ़ी दिनों से मैं निकाल के रखी हूँ और धोने का सोच रही हूँ, लेकिन हर बार मशीन इतनी ज़्यादा फुल हो जाती है कि उसको डालने का मुझे मौका ही नहीं मिलता है। वो बार बार मुझे निकाल के रखना पड़ता है साइड में। तो आज जो है कपड़े उतने ज़्यादा नहीं थे तो मैंने सोचा चलो आज धो लेते हैं इसको। तो पर्दे धोते वक्त ना मुझे याद आया कि रिंग वाले जो पर्दे होते हैं ना, वो अक्सर लोग ना कई लोग हाथों से धोते हैं। वजह ये होती है कि मशीन में चलाने से वो जो रिंग्स हैं वो बाहर निकल आते हैं। मैं भी खुद हाथों से ही धोया करती थी जब तक मुझे ये वाली ट्रिक पता नहीं थी। ये वाली ट्रिक क्या है वो मैं चलिए आपको दिखाती हूँ। इस तरह से पहले पर्दों के जो रिंग्स हैं उनको एक साथ लाइए, और फिर एक छोटा सा जो कोई भी रिबन है, शू लेस है या कुछ भी, कोई भी धागा है, उसको आप लेके बांध लीजिए। इसको ऐसे सिक्योर करके बांध लीजिए। उसके बाद आप आराम से इस मशीन में चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर्दे के जो रिंग्स हैं बिल्कुल सही सलामत रहेंगे, वो कभी नहीं निकल के बाहर आएंगे। आजमाया हुआ तरीका है गैस। तो अगर अभी तक आप रिंग्स निकलने के डर से पर्दों को हाथ से धोते आ रही हैं ना, तो मेरी बात मानिए, इस ट्रिक को आजमाइए। आपके पर्दे बिल्कुल सही सलामत रहेंगे। जब तक मुझे पता नहीं थे, मैं भी हाथों से ही धोती थी। एक दो बार मशीन में चलाने की कोशिश की, रिंग्स निकल के हाथों में आ गए थे, बाहर निकल आए थे। लेकिन जब से ये तरीका आजमाया है ना, मेरे पर्दे कभी ख़राब नहीं होते और बिल्कुल अच्छी तरह से साफ भी हो जाते हैं, और मैं बच जाती हूँ उनको हाथों से धोने से। तो आप भी बचिए और ये तरीका आजमाइए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे आजमाया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। सुबह सुबह का जो वक्त वक्त होता है ना, तो कोई भी काम करने का मेरा सबसे फेवरेट टाइम है ये, क्योंकि पति बच्चे सब लोग सो रहे होते हैं, एकदम शांति होती है घर में, कोई डांटने वाला नहीं, कोई चिल्लाने वाला नहीं। मतलब एक होता है ना, बच्चे उठते हैं तो आप उनको काम कराने के लिए उनको बार बार टोकना पड़ता है, ब्रश करो, रेडी हो जाओ, देर हो रही है, मतलब बहुत सारा एक हड़बड़ाहट से ही स्टार्ट हो जाती है जब सब उठते हैं। तो ये जो वक्त होता है ना, अभी सब सो रहे हैं तो मेरा मन लगता है, मैं कोई भी काम ना बड़े आराम से करती हूँ और मुझे मज़ा भी आता है, एकदम चुपचाप शांति से अपना काम निपटाती हूँ। कुशल नहीं आया अभी तक? नहीं गया है।
चलो बाय बाय गणेश, वो भी आएगा तुम्हारे साथ। अब नंद को उठा दी, उसको लंच बैग दे दो। कोई बात नहीं। बैग ले लो, बैग ले लो, टांग लो अपने से। क्या लगा है गर्दन पे? पाउडर है। और दोस्तों, बच्चों के जाने के बाद, घर का सारा काम निपटाने के बाद, मैं भी कहीं बाहर निकल गई हूँ। कहाँ निकली हूँ चलिए आपको बताती हूँ। चलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा देर तक सस्पेंस में नहीं रखती हूँ। मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। मैं आई हूँ एक नए रूम में, नए घर में। पिंकी दीदी ने नया घर लिया है, अपना नहीं है अभी तक तो। भगवान की कृपा होगी तो अपना भी होगा, लेकिन अभी तक तो रेंट का ही है ये। तो रेंट का हो या अपना हो, परिवार के साथ हम जहाँ भी रहते हैं वो घर ही कहलाता है कि नहीं। तो नए घर की जो पूजा होती है ना, हम बहनें अपनी दीदी के हाथों से ही करवाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं, तो इनके हाथों से ही कोई भी पूजा संपन्न हम लोग करवाते हैं नए घर की। और दीदी के चेहरे की खुशी देखिए, कितनी खुश हैं वो। घर इसलिए उन्होंने चेंज किया था ना, काफ़ी पानी की दिक्कत थी। मैंने आदित्य के बर्थडे ब्लॉग में बताया भी था कि पानी की दिक्कत तो थी, लेकिन इस बार जो ये तूफान आया था ना, उसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं यार, अभी तो घर चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए, चलिए देखते हैं। ये हम लोग भी जब पहली बार कहीं भी रूम चेंज करते थे तो यही काम दीदी हम लोग से भी करवाई है। जैसे वो दूध उबाल के फकवाते हैं ना, वो चीज। ये देखिए, बंद कर दें, बंद कर दें, अब इसमें तुम चाय पत्ती चीनी डालो, अच्छा मिलेगा। हाँ सही गिरा, सही दिशा। इधर देखिए आप लोग, इधर थोड़ा दीदी का नया नया घर। पगला तेरे बड़ा नंबर के कैसे तो लड़ो बाद में बिछो नहीं खेल होते ना। पुराने घर से जिया जी इस तरह से अटैच हुए हैं, उनसे जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक्चुअली 10 साल से ऊपर हो गए। 10-11 साल। आयुष्मान कितने साल का हुआ? 10 बटा 10 हुआ ना। 10 साल से वो उस घर में है, तो अटैचमेंट तो हो ही जाती है घर की दीवारों से। वही घर की दीवार को चूमते हुए आए हैं जिया जी। तो
देखिए इसी को कहा जाता है लगाव। लगाव आप जिस भी चीज़ के साथ रहते हो तो एक अटैचमेंट हो ही जाती है। आप किसी जानवर के साथ रहो या किसी अजनबी के साथ भी रहो या किसी घर में रहो तो उसकी रेंट की भले वो दीवारें हों लेकिन उन दीवारों से भी मोहब्बत हो जाती है, लगाव हो जाता है, एक जुड़ाव हो जाता है। हम उनसे दूर होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि मतलब इतना साल इस घर में हम बिताए अब इसे छोड़ के हम दूसरे जगह पे जा रहे हैं तो थोड़ा होता है। तो ये लगाव जो है ना जीजा जी को कुछ ज़्यादा ही हो गया था, एकदम से उनका चेहरा उतर गया था कि मतलब ये पुराना घर हम छोड़ के जा रहे हैं। नए घर में आने की खुशी तो होती ही है लेकिन पुराने चीज़ का जो बिछो होता है ना वो उसका भी दुख ज़रूर होता है। खैर मेरी दीदी के चेहरे पर कोई दुख नहीं था क्योंकि पानी की जो दिक्कत होती है वो हम औरतों को ज़्यादा झेलनी पड़ती है क्योंकि काम हम ही को संभालना है। जीजा जी को क्या है, वो तो अपना भाई बहुत कम, ज़्यादातर वो लोग कंपनी में रहते हैं, एक सुबह का वक्त एक रात का वक्त कितना देखते होंगे वो घर में। लेकिन हाँ वो वाकिफ़ हैं अपनी पत्नी की तकलीफ़ से। लेकिन दीदी खुश थी बहुत ज़्यादा, जीजा जी भी खुश है बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ उनके चेहरे पे जो हम तो बहुत मतलब हंस रहे थे कि जीजा जी को भाई एक जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही पुराने घर से। तो ऐसे ही हंसते खेलते देखिए यहाँ पे हम लोग आए थे तो जो होता है ना कि घर को थोड़ा जूठा कर लिया जाए। तो पूजा भी हो गया था, चाय भी बन गई थी और जो प्रसाद चढ़ाया गया था वो मुँह में डाल के मैं पानी की एक बॉटल भी लेके गई थी अपने साथ। तो हमने पानी वगैरह पिया, चाय पिया, तो एक होता है ना घर को जूठा कर दिया गया है। अच्छा दिन है, फ्राइडे का दिन है तो शुभ दिन है, वैभव माता का, वैभव लक्ष्मी का दिन है तो अच्छे दिन पे अच्छी शुरुआत हुई है। और जैसे ही हमारी ये घर की छोटी सी पूजा समाप्त हुई ना तो हम लोग चाय पीने बैठे थे, उसी वक्त पूजा ख़त्म होते ही उसी वक्त कुछ सरप्राइज गेस्ट भी आ गए थे। गेस्ट कौन थे इसके लिए आप व्लॉग देखिए आपको पता चलेगा, सरप्राइज्ड है। यहाँ पे ना काजल को लाने की बात हो रही है, आप देख ही रहे हो सिर्फ हम तीन जन ही दिख रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली वो भी आने वाली थी और जैसे ही निकलने वाली थी ना पुच्चू को लेके कुछ काम आ गया था उसको तो वो रुक गई थी। वो आई थी पर लेट से आई थी, मैं हड़बड़ा के भाग के चली आई कि आप आओ पीछे से, मुझे अपना ये पल मिस नहीं करना था। आप देख ही रहे हो मुझे ना नए घर में ऐसे पूजा पाठ या कुछ भी मतलब जो शिफ्टिंग होती है ना मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं वो पल मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं अपना आ गई थी और मुझे वापस टाइम से घर भी पहुँचना था क्योंकि आज है फ्राइडे तो सुशील जी और सुभी जल्दी आ जाते हैं, इसलिए मुझे वापस घर भी जल्दी आना था तो मैं अपना निकल गई थी। आज बस घर में ये छोटी सी पूजा हम लोगों ने की थी और बाकी शिफ्टिंग का काम दूसरे दिन होगा। वो अभी शिफ्ट ये लोग नहीं हो रहे हैं क्योंकि मैंने बताया ना बारिश अभी हो रही है, पता नहीं क्यों बहुत तेज़ नहीं हो रही है और ना ही बहुत धीमी हो रही है और ये बहुत बोरिंग लगता है। आप कहीं घर शिफ्ट करना हो और ये बारिश जब होता है तो हे भगवान दिमाग ख़राब हो जाता है एकदम, लेकिन क्या कर सकते हैं, लेकिन हो करना है। अब दो दिन करे बाद या तीन दिन बाद करें वो मुझे नहीं पता वो कब शिफ्ट करने वाली हैं। बस आज अच्छा दिन था तो पूजा हो गया घर का। ना दीदी हम अभी नाश्ता करके चाय ना पी।
आज पी ले पी ले बेटा, हम पियो थे लेकिन नाश्ता कोई ले बने तो घर खाली है ना तो आवाज हमारी ना गूंज रही है एकदम। और देखिए हम चाय पीने ही वाले हैं और देखिए कौन आया है मेहमान। जैसे देखो अभी तो आई ना अभी खाली दे दे जलिए दीदी। अरे बाप रे सब आगे देव रहने तुरंत दो। रूप नाम ना रहा इधर बहुत अच्छा ही जाली लगा था। नीचे गेट बंद रखिए लो हमेशा। मैंने कहा था ना कोई बहुत ही स्पेशल सरप्राइज गेस्ट आने वाले हैं तो यही थे वो गेस्ट। और इनके साथ ये छोटा वाला बंदर भी आ गया है यहाँ पे। इतना लेट से क्यों आया, इतना लेट से क्यों आया रे? अरे बोर लगा के कॉमन महान दैनिक इनका तो अलग ही पसंद आया जाएगा। दब 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 तू तू भी खेल मंग मंग किया खा जाएगा तो देख लो तू भी खेल ड्यूटी से आओ तो कुछ सामान ये हम तो बुझा।